हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फाइव डिजिट नंबर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सिक्स डिजिट नंबर्स। ओके, तो देखो कैसे करना है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, आप देख रहे हो, है ना, ये वाले। तो ये जो नंबर्स हैं आपको कैसे लिखने हैं, कैसे इनको रीड आउट करते हैं, तो ज़रा देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वंस ओ लिखेंगे, वंस टेंस हंड्रेड करेंगे, है ना। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और ये लैक। ओके, इस तरह से हो गया। अब आपको सही जगह पर कॉमा लगाना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, थ्री डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते हैं। कितने, थ्री, वन टेंस हंड्रेड, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कॉमा, ठीक है, कॉमा। फिर दो छोड़ के लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। यानी कि हमने इसमें क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए, क्या बना लिए, ग्रुप्स बना लिए। देखो पहला ग्रुप ये हो गया, उसके बाद पहला ग्रुप तो तीन तीन का होता है, उसके बाद दो दो डिजिट का ग्रुप होता है, लास्ट में फिर ये दो का ग्रुप होता है। पहली बार तीन का, फिर दो दो का ग्रुप होता है। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ की है, इस तरह से वन टेंस हंड्रेड कॉमा लगाना, ये आपको आ गया ना, तो यूँ समझो आपको सिक्स डिजिट नंबर समझ में आ गए, ठीक है। तो इसके लिए देखो, इस क्वेश्चन में फिर बता रहा हूँ मैं क्या करना है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक। अब कॉमा लगाएंगे तो ये तो आपको चलो आ गया, कॉमा लगाएंगे तो पहली बार तीन छोड़ते हैं, एक दो तीन यहाँ पे लगा दिया, फिर दो छोड़ते हैं यहाँ, फिर दो छोड़ते हैं। अब दो में केवल ये अकेला ही है तो कोई बात नहीं, इसमें छोड़ देंगे, इधर लास्ट लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या करना है बच्चों आपको, देखो अब ये वाला जो ग्रुप है ये किसका है, लैक, तो टू लैक, टू लैक, तो टू लैक हो गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू लैक, टू टू लैक, एल ए के एच लैक, टू लैक हो गया। अब ये वाला जो ग्रुप किसका है, थाउजेंड का, तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, सिक्सटी फाइव थाउजेंड, सिक्सटी फाइव थाउजेंड ओके 200 37 इनको एक साथ पढ़ते हैं, ओके। अब आप बच्चों देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 लाख के बाद ये बाकी का जो नंबर है वो पहले वाली की तरह ही, फाइव डिजिट वाले नंबर जो मैंने बताए थे उनकी तरह ही हो जाएगा। बस यहाँ पे ये वाला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे का क्या आया हुआ है, 2 लाख है, जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है तो 9 लाख है, बाकी का तो जो पहले बताया था फाइव डिजिट नंबर उसी की तरह हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे तो देखो 9 लाख, इसमें क्या है, केवल इस वाले ग्रुप में केवल 5 है, तो 5000, तो 9,05,230 ओके लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरह से इसको करेंगे हम वंस टेंस हंड्रेड करके, ठीक है, कॉमा लगा करके, ठीक है, इसी तरह से आप इसको करेंगे, ओके। तो ये जो मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, तो एक आपको समझा दिया है मैंने कैसे करना है, ठीक ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है, उतनी ही लाइन छोड़नी है, ऐसी प्रॉपर तरीके से साफ साफ नीट एंड क्लीन करना है, ओके, सुंदर सुंदर। तो आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया है और आपको फाइव डिजिट और सिक्स डिजिट नंबर समझ में आ गए। देखो बच्चों, हम इससे अगली वीडियो में सेवन डिजिट नंबर को सीखेंगे।
तो उसके बाद हम आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। देखना आपको चैप्टर फर्स्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको ये तीनों वीडियो समझ में आ गई तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।